इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर छत्तीसगढ़ से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सीएम ने कई विभागों के बजट के लिए तैयार की गई समीक्षा बैठक की है। जहां समीक्षा बैठक में आपको बता दें कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन से लेकर पुनर्वास के बजट इसमें शामिल किए गए हैं। पंजीयन एवं स्टाम्प विभाग के बजट की तैयारियों की यहाँ पर समीक्षा की गई है। तो खबर जहाँ सीएम ने कई विभागों के बजट तैयारी की समीक्षा की, बैठक में मंत्री जयसिंह अग्रवाल से लेकर राजस्व मंत्री, अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग के सचिव भी मौजूद रहे। तो खबर जहाँ सीएम ने कई विभागों के बजट को लेकर तैयार की गई, क्या कुछ तैयारी की गई है उसको लेकर समीक्षा बैठक ली है। बैठक में आपको बता दें कि किस तरह से बजट को पेश किया जाएगा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन में कितने बजट की जरूरत पड़ेगी, इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। अपर मुख्य सचिव से लेकर राजस्व मंत्री बैठक में मौजूद रहे, वित्त विभाग के सचिव ये भी यहां पर मौजूद रहे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता चित्रा पटेल हमारे साथ जुड़ गई हैं। चित्रा, सीएम ने कई विभागों के बजट तैयारी की समीक्षा की है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? समीक्षा बैठक में किन किन मुद्दों को लेकर हुई बातचीत और बजट को लेकर मुख्य रूप से क्या कुछ बातें सामने आ रही हैं? जी, आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सभी विभागों का समीक्षा बैठक, बजट को लेकर समीक्षा बैठक ले रहे हैं। आज पांच मंत्री का लेकर विभाग को समीक्षा बैठक ले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने निवास में ये बैठक जारी है, सुबह 11 बजे से लिया जा रहा है। जयसिंह अग्रवाल जो राजस्व विभाग के मंत्री हैं, उनकी बैठक चल रही है। उनके विभाग में आपदा प्रबंधक, पुनर्वास, पंजीयन एवं स्टाम्प विभाग की बजट की तैयारी की समीक्षा की जा रही है। बैठक में मंत्री जयसिंह अग्रवाल सहित मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर सचिव सुब्रत साहू सहित विभाग के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। सरकार की योजना है कि क्या, कौन सी योजना शुरू की जा सकती है पर चर्चा की जा रही है। विभाग से कई बिंदु मंगाई गई है, जिसमें बिंदुवार मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और उस पर बिंदुवार चर्चा की जा रही है। ये बजट आज से 12 तारीख तक चलना है। एक दिन में पांच मंत्री से बजट तैयारी की समीक्षा बैठक रखी गई है। आज सुबह 11 बजे संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत इस बैठक में शामिल हुए थे। उन्होंने अपने विभाग के जो बिंदुवार जो है वो योजना को लेकर चर्चा की, और उसके बाद जो है उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल है, उनसे बैठक चलना है। उसके बाद महिला बाल विकास मंत्री नीला भैया है, उनसे चर्चा होगी। उसके बाद मंत्री गुरुद्र है, उनसे चर्चा होगी। बजट को लेकर तैयारी चलेगी। सभी विभागों के लिए कम से कम 1,00,000 करोड़ का बजट रखा गया है। जी चित्रा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, खबर रायपुर छत्तीसगढ़ से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सीएम ने कई विभागों के बजट तैयारी की समीक्षा की, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन पुनर्वास के बजट की तैयारी की यहां पर समीक्षा की। साथ ही साथ बैठक में मंत्री जयसिंह अग्रवाल से लेकर राजस्व मंत्री, अपर मुख्य सचिव और राजस्व विभाग के सचिव मौजूद रहे।